वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर फ्रेंड्स, मैं आज वीडियो लेके आया हूँ जो पैथोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्वेश्चंस को और फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर कर सकते हैं, या कोई रॉन्ग आंसर हो तो जरूर कमेंट्स कर सकते हैं फ्रेंड्स नीचे। तो पहला क्वेश्चन है, इंक्रीज्ड IgA डेपोसाइट्स आर सीन इन। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, तो आप इसमें से ऑप्शन बता सकते हैं और नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर है थर्ड, हेनोच इसको लेन पुरपुरा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर थर्ड है, पीसमील नेक्रोसिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ हाइपर सेंसिटिव निमोनिटिस। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर थर्ड, बाइसनोसिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, हियर डाइट्री रेटिनोब्लास्टोमास डेवलप ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल डिलीटेशन। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर थर्ड है, 13q2 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज सिंड्रोम हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर सेकंड है, ग्लाइकोजल डिप्लेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एटिपिकल निमोनिया कैन बी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग माइक्रोबायल एजेंट एक्सेप्ट्स। निम्न में से माइक्रोबायल एजेंट के कारण होता है सिवाय निमोनिया, जो एटिपिकल निमोनिया होता है किसके कारण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है क्लेब्सिलिया निमोनिया, इसके कारण इस एजेंट को छोड़ के सभी एटिपिकल निमोनिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टराइटिस आर ट्रू ऑफ लिपोसेक्रोमा एक्सेप्ट दैट इज। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, आंसर देखिए ग्रीन पे है, फ्रीक्वेंटली गिव्स राइज टू एम्बोलाइजेशन इन लिम्फेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएट विथ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर थर्ड है, डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीएच डज नॉट कॉसेस। पीटीएच किसके कारण नहीं कॉस होता है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड, डिक्रीज PO43 एक्सर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप स्प्लीन इज सीन इन। तो जो सेप स्प्लीन कब दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर थर्ड है, एमाइलोडोसिस। एमाइलोडोसिस जब होता है तब सेप स्प्लीन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी इज कॉज्ड बाय ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर फोर है, रेनिन। रेनिन के कारण जो कैपिलरीज परमेबिलिटी होती है वह इंक्रीज्ड हो जाती है इन सभी रोगों में सिवाय रेनिन के। नेक्स्ट है, विच हॉडकिंस डिजीज इज एसोसिएटेड विथ बेस्ट प्रोग्नोसिस।
तो बोलता है कौन से हॉडकिंस डिजीज, विच कौन हॉडकिन हॉकिंस डिजीज इज द एसोसिएटेड विद द बेस्ट प्रोग्नोसिस। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर फर्स्ट लिम्फेटिक प्रीडोमिनेंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है द ब्लड इज द वेसल्स नॉर्मली डज नॉट क्लॉड बिकॉज, द ब्लड इन द वेसल्स अर्थात ब्लड वेसल्स में क्यों क्लॉट नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वेस्कुलर एंडोथेलियम इज स्मूथ एंड कोटेड विथ ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं क्लॉट होते हैं, तो वो है वेस्कुलर एंडोथेलियम इज द स्मूथ एंड कोटेड विथ ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एपोप्टोसिस इज, एपोप्टोसिस क्या है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, सेल डेथ इंक्लूड बाय रेगुलेटेड इंट्रासेलुलर प्रोग्राम। जो एपोप्टोसिस जो होता है वह होता है सेल डेथ इंक्लूड बाय रेगुलेटेड इंट्रासेलुलर प्रोग्राम के द्वारा जो सेल डेथ होता है वह होता है एपोप्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन All are true about renal cell carcinoma except, सभी सही है फ्रेंड्स रीनल सेल कार्सिनोमा से, बट सिवाय एक के। तो इसका जो राइट आंसर है मोर कॉमन इन फीमेल्स, मोर कॉमन इन फीमेल्स के अलावा जो रीनल सेल कार्सिनोमा होता है वह सारे सही होते हैं, क्योंकि ये मोर कॉमन फीमेल्स में ही होता है, सभी के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए रिप्लिकेशन ऑक्योर इन विच फेस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल का जो साइकिल होता है वो किस फेस में, किस अवस्था में डीएनए रिप्लिकेशन उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड एस फेस। एंड एस फेस मतलब होता है फ्रेंड्स सिंथेसिस फेस। तो ये जो सिंथेसिस फेस होता है उस समय डीएनए रिप्लिकेशन होता है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स LDH5 इज सीन इन। तो LDH5 जो होता है वह कहां सीन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आप नीचे कमेंट्स में ही बता सकते हैं। तो राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल द अफेक्टेड इन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन। तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन में सभी अफेक्टेड होते हैं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सेकंड लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑल आर स्टेरॉइड्स रेजिस्टेंस एक्सेप्ट। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेरेडिटरी एंजिनो न्यूरोटिक ओडिमा हैनो आर ट्रू एक्सेप्ट सिवाय। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर थर्ड पिटिंग ओडिमा ऑफ फेस इज कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुडान ब्लैक स्टेन इज पॉजिटिव इन। तो सुडान ब्लैक जो स्टेन होता है वह किस के डायग्नोसिस में पॉजिटिव आता है। तो इसका राइट आंसर है AML। तो AML का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स एक्यूट मायलोजिनस ल्यूकेमिया। तो इसमें सुडान ब्लैक स्टेन पॉजिटिव पाया जाता है AML में। AML का फुल फॉर्म अभी बता दिया। नेक्स्ट फ्रेंड्स
कैपेसेस आर एसोसिएटेड विथ, तो इसका जो कैपेसेस आर एसोसिएटेड विथ राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ऑर्गेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रमा ओवरी इज कंपोज्ड इंटायरली ऑफ, तो जो स्ट्रोमा ओवेरली है इज कंपोज्ड इंटायरली ऑफ राइट आंसर है मैच्योर थायराइड टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चांस ऑफ हैविंग एन अनअफेक्टेड बेबी व्हेन बोथ पेरेंट्स हैव एको एकोंड्रीप्लेजिया आर, एकोंड्रीप्लेजिया आर अर्थात जब पेरेंट्स एकोंड्रीप्लेजिया से ग्रसित होते हैं तो द चांस ऑफ हैविंग ऑफ अनइफेक्टेड, तो बेबी का कितना चांसेस होता है अनइफेक्टेड होने का, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड 0.25% ही चांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फेमिलियन सिंड्रोम्स आर एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट्स ऑफ फिक्रोमोसाइटोमास एक्सेप्ट, राइट आंसर फ्रेंड्स प्रेडर विलाई सिंड्रोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइटिकली नॉट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट्स ऑफ इंटरस्टाइनल लंग डिजीज, इंटरटाइटियल लंग डिजीज, तो सॉरी फ्रेंड्स यहाँ कुछ मिस्टेक हो जाती है मेरे से, इसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। नेक्स्ट आंसर है इनहेलेशन ऑफ टोबैको स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल डिफर फ्रॉम प्रोजेनिटर स्टेम सेल इन दैट दे कैन, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सेकंड है लॉन्ग टर्म्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हैरी सेल लिकोमिया आर ट्रू एक्सेप्ट, तो हैरी सेल लिकोमिया के लिए सभी सही है सिवाय एक के, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर है फर्स्ट, रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सपेंशन ऑफ नियोप्लास्टिक टी लिम्फोसाइट्स, इसके अलावा सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोलॉजिक फीचर ऑफ ब्रेन इन एड्स आर ऑल एक्सेप्ट्स, इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर थर्ड वेस्कुलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सुपर एंटीजेंस, सुपर एंटीजेंस के लिए कौन सा लाइंस है जो सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर फोर्थ है, ये सही नहीं है, बाइंड टू द क्लेफ्ट अर्थात एंटीजन बाइंडिंग ग्रुप इन द MCH सेकेंड मॉलिक्यूल, यह सही नहीं है, इसके अलावा बाकी सभी ट्रू लाइंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई फिटल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड बट टर्मिनली डिफरेंशिएटेड एडल्ट सेल डू नॉट डिवाइड, इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर थर्ड है, देयर आर मेनी सिलिन इनहिबिटर्स विच prevent cell to enter into S shape in adults. Next questions,